कितने टाइप के अवेलेबल है, लो एक्सप्लोजिव हाई एक्सप्लोजिव तो बोल दिए, लेकिन हाई एक्सप्लोजिव की बात करें तो कौन कौन से एक्सप्लोजिव है जो अवेलेबल है। तो पहला जो है वो है एनफो। मैक्सिमम टाइम मैंने आपको एनफो के बारे में बताया होगा। एनफो का फुल फॉर्म होता है अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल, जो कि 94% होता है, फ्यूल 6% होता है, 6% 5.5 तक रेंज कर सकता है 94 से। अमोनियम नाइट्रेट आपको अगर देखना है समझना है क्या होता है, तो आप जो खेतों में यूरिया यूज होती है उसको आप समझ ले सकते हैं। उसके लिए यूरिया इन द सेंस सफेद सफेद जो साबुदाना होता है, साबुदाना की जो खिचड़ी खाते हैं उसी टाइप के, वो अमोनियम का प्रिल्स होता है। प्रिल्स मतलब साबुदाना का जो गोल गोल होता है वैसा, वो प्रिल्स होता है अमोनियम का, व्हाइट कलर का, उसको अमोनियम बोलते हैं। अमोनियम नाइट्रेट रहता है वर्चुअल। और जब आपका अमोनियम नाइट्रेट को डीजल ऑयल के साथ मिलाते हैं, किस रेशियो में, ये जो रेशियो लिखा हुआ है 94 और 5, 94.5 एंड 5.5, या फिर एग्जाम में कभी कभी पूछता है, कल किसी ने पूछा भी था कि रेंज कितना वेरी कर सकता है, तो 94 और 6 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 94.5 5.5 तक चलेगा, ज़्यादा वेरी से नीचे क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसका आप कॉम्बिनेशन को बिगाड़ते हैं वैसे ही उसका इनिशिएशन की तरफ, केमिकल रिएक्शन की ससेप्टिबिलिटी की तरफ इम्पैक्ट पड़ जाता है। उससे क्या होता है, उससे ये फ्यूम्स वगैरह निकलती हैं और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन का नहीं हो पाता है। तो ये तो मेन सिनेरियो हो गया, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आपको बता दिया। अच्छा, अब इसका कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। मैंने बताया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अगर मैं डिफाइन करूँ अमोनियम नाइट्रेट का, तो अमोनियम नाइट्रेट की अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 800 से लेकर 900 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है, या 0.8 to 0.9 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसके बाद इसकी बीओडी की बात करते हैं। बीओडी की बात करें, बीओडी की बात करते हैं तो इसका बीओडी जनरली 3500 से लेकर 4000। क्लियर है दो चीजें। डेंसिटी ऑलमोस्ट 800 से 900 के बीच में रहता है, और एक से ऊपर तो है नहीं, एक से ऊपर 1000 किसका होता है, वाटर पंप, तो उससे कम है, 0.8 है। तो जैसे ही 0.8 है ये वाटरी होल्स में हम लोग काम यूज नहीं आएगा, मतलब कि फ्लोट करेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अमोनियम प्रिल्स है जो व्हाइट कलर के साबुदाना दिखता है उसके ऊपर हम ऐसा कोटिंग करें जो वाटर प्रूफ कोटिंग उसको बना देंगे, और जैसे ही उसको एक वाटर प्रूफ कोटिंग बनाएगा हम वाटरी होल्स में उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आपने कोटिंग तो कर दिया, वाटर रेजिस्टेंस तो बना दिया, लेकिन फिर भी वो पानी में तैर रहा है। तो जब वो पानी में तैर रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसको कार्टिज के फॉर्म में पन्नी में भर करके नीचे गिरा सकते हैं, साथ में कुछ बालू वगैरह लोग डालता है ताकि उसका भार बने और नीचे वो चला जाए। समझ में आया, इज इट क्लियर? यस सर। ये तो हो गया बात किसका, एनफो। सेकंड चीज आता है, एक होता है स्लरी और एक होता है इमल्सन। ऑब्वियस सी बात है, स्लरी के एनफो के बाद मैंने स्लरी लिखा है, तो स्लरी का जो प्रॉपर्टीज होगा वो एनफो से बेटर होगा, बट इमल्सन बाद में लिखा है तो इमल्सन का प्रॉपर्टीज स्लरी और एनफो से मच बेटर। ठीक है, तो मच बेटर को अगर मैं क्वांटिफाई करना चाहूंगा तो कितना होगा भाई, तो कितना होगा का कॉन्सेप्ट इतना है कि जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट 1.1 के करीब होती है, 1.1
1050 के करीब। तो भैया 1100 से 1200 करीब हो जाती है। इससे क्या हो रहा है आपको कि डेंसिटी तो बढ़िया है वाटर के, उसमें बढ़िया है वाटर रिसोर्स में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बीओडी की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लोजिव में घबराने लगता है प्रॉपर्टीज। क्या घबराता है भाई? स्लरी बोलता है कि मैं आपको 4000 से 4500 मीटर पर सेकंड ही दे पाऊंगा बीओडी। तो अब भैया उससे अच्छा जाना है, उससे अच्छा जाने के केस में आप इमल्सन का यूज करेंगे और इमल्सन का बीओडी ऑलमोस्ट 4500 से लेकर के 5500 तक। ये 5500 मेरा निकाला हुआ बीओडी, तो निकाला हुआ तो मैंने बोल दिया, मेरे को ट्रस्ट है कि भैया मैंने निकाला एक बीओडी। तो आगे चल के आप मुझे एक डाउट मुझसे जरूर पूछेंगे कि बीओडी निकालते कैसे, बीओडी मेजरमेंट, और बीओडी को मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? दो चीजें मुझसे जरूर पूछेंगे आप लोग, अगर मैं भूल जाता हूं तो भी आप पूछेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। तो भैया एल्फो तो हो गया, आपको बता दिया अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल होता है, स्लरी एक काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव होती है, इमल्सन एक काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव होता है जिसका प्रॉपर्टीज बताते हैं। लेकिन ये स्लरी और इमल्सन एक्सप्लोजिव भैया होता क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या चीज कितनी मात्रा में होता है? तो भैया ऐसा है कि जो आपका स्लरी है उसको हम लोग सेमी सॉलिड बोलते हैं। सेमी सॉलिड स्लरी को मैं कैसे आपको समझाऊं, ग्रीस देखा है, ग्रीस को रिस्पॉन्ड कीजिए, ग्रीस समझते हैं जो ब्लैक या ग्रीनिश टाइप का होता है, प्लीज को रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। हाँ, तो आपका जो स्लरी होता है वो होता है एक सेमी सॉलिड टाइप का होता है, उसमें क्या क्या होते हैं जैसा कि बात किया, एक्सप्लोजिव केस में हमेशा ऑक्सीडाइजर होता ही होता है, तो ऑक्सीडाइजर रहेगा उसमें, फ्यूल रहेगा। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं किसी एक ऑक्सीडाइजर और फ्यूल को, अमोनियम नाइट्रेट के केस में क्या था, अमोनियम नाइट्रेट एनफो के केस में ऑक्सीडाइजर क्या था, अमोनियम नाइट्रेट खुद था और फ्यूल क्या था, डीजल वाला अपने फ्यूल है। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस में है तो क्या कहेंगे भैया, सेंसिटाइजर चाहिए इसके लिए, इसको स्टेबलाइजर चाहिए, इसको मिला रहे हैं तो कुछ थिंकिंग एजेंट चाहिए, कुछ क्रॉस लिंकिंग एजेंट चाहिए, तो ये सब चीजें कुछ मिला के बना होता है। तो फ्यूल के नाम पे आप क्या यूज कर सकते हैं, ग्लाइकोल यूज कर सकते हैं, स्टार्च यूज कर सकते हैं, शुगर यूज कर सकते हैं, मोटा मोटा बात करें तो सल्फर यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यही है कि इतना सेफ्टी में होता है कि ना इसमें आग से लगेगा, ना फ्रिक्शन से, ना इंपैक्ट से, किसी से नहीं इसमें इनिशिएशन होने वाला है, यह सेफ्टी हो गया। अगर नक्सलाइट वगैरह उठा के चले गए तो अच्छा है, तो लोग यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना आग से फूट रहा है, ना फ्रिक्शन से, ना इंपैक्ट से। अच्छा, और क्या फायदा हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि वाटर के कारण, वाटर का रेजिस्टेंस के कारण इसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा हो गई है, आप यूज ज़्यादा कर सकते हैं, वाइड रेंज है। लेकिन जहाँ ही जितना ज़्यादा नौटंकी है आपने किया, जितना ज़्यादा ऐसा कंपोजिशन मिलाया, केमिकल कंपोजिशन बढ़ाया, वैसे ही क्या होगा ईश्वर, किस चीज़ में बढ़ोतरी होगी, कोई है? कोई है? सैलेश, क्लियर है आपको? सैलेश, इज इट क्लियर? ओके, नो इशू, अजय बताएंगे। अच्छा अजय, अभी आप अनम्यूट करके आप मुझसे बात कीजिए तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा, ये मैसेज मैं देखता नहीं हूँ जल्दी पढ़ाते हुए। सैलेश अनम्यूट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं समझ में आया? तो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, जैसा कि स्लरी एक्सप्लोजिव के साथ
है कि क्या क्या कॉम्पोजिशन यूज करेंगे, उसी प्रकार से इमल्सन एक्सप्लोजिव के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया है, कौन कौन सा उसमें केमिकल कंपोजिशन होगा। तो इमल्सन क्या होता है, नाम समझ में आ रहा है कि एक वाटर या और ऑयल का फेज मिक्सचर होता है। जनरली अगर पानी में एयर, पानी में अगर ऑयल गिरा देंगे तो वो एक काइंड ऑफ इमल्सन बन जाता है जिसमें ऑयल तैरता है वाटर के ऊपर, या फिर वाइस वर्सा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक्सप्लोजिव जो होता है वो अमोनियम नाइट्रेट से ही बनता है, यूरिया से ही बनता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका ऑक्सीडाइजर जो रहेगा वो अमोनियम नाइट्रेट तो रहना ही रहना है, उसके साथ साथ फ्यूल ऑयल रहेगा, और स्लरी में मैंने बताया वैक्स वगैरह रहता है, प्रोसेसिंग एजेंट रहता है, गुआर गम वगैरह रहता है, उसी प्रकार से इसमें वैक्स रहता है, पैराफिन रहते हैं, काइंड ऑफ दोनों का कंपोजिशन सेम है, बस थोड़ा सा ऐसा कंपोजिशन चेंज है जिसके कारण इसकी वीओडीसी ज्यादा है और उसका वीओडी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है उसकी डेंसिटी है। क्या काम है भैया, एक होता है सेंसिटाइजर, सेंसिटाइजर के केस में अभी एक सेंसिटाइजर हो गया, एक होता है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मतलब आप समझ लीजिए कि एल्यूमिनियम पाउडर वगैरह आपने यूज किया तो वो यूज बढ़ गया आपका। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 6-7% जनरली वो एब्जॉर्ब करता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कंटेंट आपके पास अवेलेबल रहेगा। सर अभी देखिए कि स्लरी और इमल्सन के बारे में जब हमने बात किया तो क्या क्या कंपोजिशन है, इससे पहले अगर आप ये देखिए कि क्या क्या होता है। सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजर होता है, किसी भी बारूद को बनाने के लिए आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजर चाहिए। ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, ठीक है, फ्यूल दे दिया आपने, अच्छा, लेकिन राह चलते कहीं भी फट ना जाए, तो राह चलते फट ना जाए कुछ से पहले आपको ये देखना है कि आपके मन मुताबिक वो फटे, तो भैया सेंसिटाइजर दे दिया हमने। कुछ उसके केमिकल रिएक्शन को बूस्टअप करने के लिए एनर्जाइजर दे दिया, और आपका कुछ और एजेंट है अगर उसको अच्छे से घोलना है, मिक्सअप अच्छे से हो, इसलिए कुछ क्रॉस लिंकिंग एजेंट वगैरह। ये तो कॉमन सा फंडा हो गया। तो क्या क्या होता है एक्सप्लोजिव में, फ्यूल होगा, ऑक्सीडाइजर होगा, सेंसिटाइजर होगा, एनर्जाइजर होगा, और मिसलेनियस एजेंट होंगे। तो फ्यूल के नाम पे बात करेंगे तो फ्यूल ऑयल हो गया, कार्बन हो गया, टीएनटी हो गया, सट्टा हो गया। ऑक्सीडाइजर के बाद बारे में बात करेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सट्टा। सेंसिटाइजर की बात करेंगे कि उसकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ानी है विथ रिस्पेक्ट टू सम इनिशिएशन सिस्टम, तो उसमें आप एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, आजकल जनरली एल्यूमिनियम यूज होता है। लेकिन क्या करता है कुछ मैन्युफैक्चर लोग ज्यादा दिखाने के लिए कि हाँ भैया सेंसिटाइजर से कारण डेंसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा एल्यूमिनियम डाल देंगे भार अच्छा हो जाएगा, तो भैया उसके चक्कर में एल्यूमिनियम का परसेंटेज ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप परसेंटेज बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी तो बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन क्या दूसरे पैरामीटर्स को आप अल्टर कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने एल्यूमिनियम 0.5% मिला था लेकिन आपने 5% मिला दिया, एल्यूमिनियम जैसे ही मिलाया भार तो बढ़ा दिया लेकिन एनर्जी कम हो गई, वीओडी तो कम है, उतना का उतना ही है, एनर्जी कम हो गई एक्चुअली। क्यों, क्योंकि 5% जब ऐसे ही एल्यूमिनियम हुआ बाकी कंपोजिशन कम हो गए, कम होने से वीओडी कम हो गया। तो बाकी न्यू मटेरियल है इसको भी आप देख लीजिएगा। तो फिर से आते हैं, जो इमल्सन होता है और स्लरी होता है उसमें क्या होता है, स्लरी में वाटर 15% होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट 63% होते हैं, काइंड ऑफ इमल्सन में भी सेम, ऑयल 6%, वाटर 14%, अमोनियम नाइट्रेट 76%, इमल्सिफाइंग एजेंट 2%, क्रॉस लिंकिंग एजेंट कुछ होते हैं। ये तो हो गया सिनेरियो, ये बारूद आप देख चुके हैं कार्टिस फॉर्म में आता है, इसको जब आप फाड़ेंगे तो वही ग्रीस टाइप का निकलेगा, ये टाइप ऑफ एक्सेसरीज है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नो सर। ठीक है, शैलेश कुछ नहीं बोल रहा है, क्या हो गया शैलेश? शैलेश क्या हो गया? नेटवर्क नहीं है क्या सर? मेरा ठीक है आज का नेटवर्क? हाँ यस सर, बढ़िया है। अच्छा, अब हम डिटोनेटर की बात कर रहे हैं, ईश्वर एक्सप्लोजिव की बात कर चुका हूँ मैं जी। तो जब आप एक्सप्लोजिव की बात कर चुके हैं, डिटोनेटर की बात करेंगे, तो पहले मुझे बताइए डिटोनेटर होता क्या है।
इनिशिएटिंग डिवाइस होता है सर, वो ब्लास्ट करने के लिए यूज होता है। क्या बिना डिटोनेटर के भी हम ब्लास्ट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, वो सेफ्टी फ्यूज क्या आता है ना, सेकंड टाइप डिटोनेटिंग डीएफ बोलते हैं, डिटोनेटिंग फ्यूज या डिटोनेटिंग कॉर्ड। हाँ। मैंने उसे जी जी तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि गन पाउडर देखा है आपने, गन पाउडर मतलब जो गरम पटाखे में होता है, ठीक है? क्या क्या बोले सर? गन पाउडर, गन पाउडर जो घर के पटाखों में होता है, वो गन पाउडर देखा है आपने, जो सबसे पहला एक्सप्लोजिव था, सबसे पहला एक्सप्लोजिव कब बना था? 1242 में जब हमने चाइना ने फायर फाइटिंग के लिए यूज किया था अपने फेस्टिवल मनाने। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि 1831 में हमने सबसे पहले बारूद कब यूज किया माइनिंग के केस में? कब यूज किया इस वक्त? लेकिन ये तो भैया कुछ नहीं था, ये तो छोटा सा बारूद था, गन पाउडर था। जब हमने नाइट्रोग्लिसरीन बनाया, ठीक है सर। अच्छा, अभी क्या होता है कि नाइट्रोग्लिसरीन बेस एक्सप्लोजिव हमारे पास है, लेकिन मैं उसको खोलूंगा कैसे? क्यों? डिटोनेटर तो है ही नहीं मेरे पास। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? 1846 की बात कर रहा हूँ। जी। तो क्या किया गया? 1831 में सेफ्टी फ्यूज का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया गया? सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज आप देखे होंगे तो नीला कलर का एक पाइप होता है जिसके अंदर गन पाउडर होता है। कौन सा गन पाउडर? वही जो 1242 में जिसका आविष्कार किया गया था, बेकॉन ने। सेफ्टी फ्यूज में क्या है? गन पाउडर है। तो भैया इसका वीओडी कितना होगा? इसकी गति मैंने बताई थी, कुछ बताई थी, आपको आइडिया है? इसकी गति कुछ है, 1 मीटर चलने में करीब 120 सेकेंड लगते हैं, 2 मिनट को पीछे। तो क्या किया गया कि सेफ्टी फ्यूज बना लिया गया, लेकिन सेफ्टी फ्यूज से तो ब्लास्ट नहीं होगा, हमको डिटोनेटर का आवश्यकता तो है ही है। तो क्या किया मैंने? मैंने नहीं किया, 1865 में डिटोनेटर का प्लेन डिटोनेटर का इसका बना किया गया, इसका प्लेन डिटोनेटर जो कि विद हेल्प ऑफ सेफ्टी फ्यूज टूटता है। यहाँ पे क्लियर है? चले साहब बात कर सकते हैं मुझे चैट में। अभी क्या सिनेरियो है कि सेफ्टी फ्यूज को यूज करते हैं डिटोनेटर, जैसे डिटोनेटर कुछ इस प्रकार का है, जैसे सिलेंड्रिकल जैसा होता है, आप कल देखे हैं, उसके अंदर सेफ्टी फ्यूज को डाल के क्रिम्प कर दिया जाता है। अब इधर साइड जो दूसरा होता है सेफ्टी फ्यूज का एंड, उसमें माचिस मार लेते हैं, ये आग निकलते निकलते जाता बहुत धीरे धीरे। ये जो डिटोनेटर का दूसरा एंड है, ये बारूद के साथ टच रहता है, जब ये पूरा जलता है, डिटोनेटर फूटता है, तो बारूद फूट जाता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर है। ये बारूद है, बारूद के साथ आपने डिटोनेटर लगा दिया है, मान लीजिए इसको टेपिंग कर दिया, और इस डिटोनेटर में सेफ्टी फ्यूज डाल दिया, सेफ्टी फ्यूज, और इसको क्रिम्प कर दिया,
अब यहाँ पे जब आपने माचिस मारा तो धीरे धीरे गया, आप यहाँ यहाँ पहुंची, उसको ब्लास्ट किया, ब्लास्ट किया, ब्लास्ट किया, ब्लास्ट किया, पलंग ब्लास्ट हो गया, समझ में आया? Yes, sir. लेकिन सेफ्टी फ्यूज अभी भी यूज होता है, बट बहुत से जगहों में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जहां नक्सलाइट एरिया होगा वहां पे सेफ्टी फ्यूज यूज होता है, वहां पे डिटोनेटर का यूज नहीं करते हम लोग, बाकी चीजों का किसी का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नक्सलाइट लोग इसका यूज करेंगे, इसे ब्लास्ट करेंगे, तो इसका तो स्पीड बहुत कम है, तब तक आपकी गाड़ी निकल के चली जाएगी, पहली बात आपके पास टाइम मिल जाएगा, दूसरा इसमें आग निकलेगा, आग निकलेगा तो ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हाँ वहां पे कुछ जा रहा है, आपको पता चला कि वहां ब्लास्ट होने का सिनेरियो है, आप सतर्क हो जाएंगे। तो नक्सलाइट एरियाज में अगर माइंस है जनरली यही यूज किया जाता है। समझ में आया? जी जी सर। लेकिन नक्सलाइट एरिया में किया जाता है तो बाकी जगह क्यों नहीं किया जाता भाई, ये भी बताइए, बाकी जगह करिए क्यों नहीं करते, बताइए। बाकी जगह हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप लगा के भाग गए, लगाएंगे तो आपको भागना पड़ेगा पैच से, क्योंकि पैच में तो आप खड़े नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर ईश्वर? यस सर, क्लियर है सर। माचिस मार के भागेंगे आप से, और भागेंगे, मान लीजिए गाड़ी से आप भाग रहे हैं और गाड़ी आपकी ब्रेकडाउन होगी, अब क्या होगा? क्लियर है? यस सर। तो वो एक आपका अनसेफ प्रैक्टिस हो गया, पहला चीज। दूसरा चीज, आपने माचिस मारा, भाग गए 1 किलोमीटर दूर गाड़ी से, लेकिन यहाँ पे भैया बारिश हो गई, पानी गिर गया, गुत गया, अब क्या कीजिएगा? वापस जाइएगा? आपको पता ही नहीं है ब्लास्ट हुआ कि नहीं हुआ, बंद हो गया कि नहीं, फसल आपको लगा है, पानी गिर गया, बूझ गया, आप पहुंच गए वापस, और जैसे पहुंचे आराम से फूट गया, या आप वहां खड़े हैं 1 किलोमीटर दूर आधा घंटा से, वो ब्लास्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि पानी हुआ है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस था इसके साथ। जी। अच्छा, सिनेरियो ऐसा भी था कि जो नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोजिव ने बनाया था वो आपका मन चाहा नहीं था। मन चाहा मतलब मेरे को जहां फोड़ना वहां वो नहीं फूटेगा। यस सर। मैं अगर बम टाइप का यहां से फोड़ूं फेंकूंगा, जैसे पेट्रोल पंप होता है, कितना दूर फेंक पाऊंगा उसके से? 50 मीटर बहुत बोल दिया मैं, 30 मीटर पे। अगर आप 30 मीटर में अगर ब्लास्ट करेंगे तो मेरा क्या बचेगा? मेरा कुछ नहीं बचेगा। आपको चाहिए ऐसा डिवाइस जो मन चाहा फोड़े, मतलब मैं शेल्टर लूंगा भले ही एज पर सीएमआर 2017 500 मीटर पे, और वहां से चाहूंगा फोड़ना तो फोड़ लूं, ऐसा डिवाइस की जरूरत था। समझ में आया नेसेसिटी क्या है? यस सर। ठीक है, कुछ चाहिए आप सेफ्टी फ्यूज के अलावा कुछ चाहिए कि काम हो गया आपका? और रिसर्च करके 1890 में हमने इलेक्ट्रिक डिटेक्टर का आविष्कार किया। इलेक्ट्रिक डिटेक्टर क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रिक डिटेक्टर ये होता है कि जिसको ऑलमोस्ट 1.25 एम्पीयर का करंट दीजिएगा तो वो उसको फोड़ देगा। जितना मर्जी उतना दूर तार बिछाइए, जाइए 500 मीटर दूर, वहां से एक्सप्लोडर से चार्ज कीजिए, यहाँ ये फट से मिली सेकंड फूट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसका रेंज इतना ज्यादा होता है इसमें? क्या रेंज मतलब इसका बहुत ज्यादा होता है? सो रेंज का बात ही नहीं है ना, आपने लगाया जितना केबल लेके जाना लेके जाइए ना, केबल आप लीस्ट रेजिस्टेंस ले लीजिए। अगर आपके पास लीस्ट रेजिस्टेंस केबल है तो कितना होगा मैक्सिमम? 5 ओम होगा। हाँ। और बीच इक्वल टू आईआर? यस सर। 1.25 × 5 कितना होगा? ऑलमोस्ट 6 वोल्ट। अगर आपने दे दिया फुट गया, कहीं से फुटिए 1 किलोमीटर दूर से पड़ी, क्या दिक्कत थी? समझ में आया? इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का आविष्कार हो गया भैया, कब? 1890 में। अब क्या चाहिए ईश्वर? कुछ चाहिए? ये हो गया। अब क्या चाहिए? अभी क्या है, मन चाहा नहीं है भैया,
इसमें क्या होगा कि सभी होल एक साथ फूटेंगे। अगर आपको चाहिए कि हर होल अलग अलग फूटे, वाइब्रेशन कम आए, तो आपको डिले देना पड़ेगा, डिले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो डिले इंट्रोड्यूस करने के लिए डिले रिडक्टर बनाना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर जी। डिले रिडक्टर जो बनेगा, तो सबसे पहले 1900 में बना था आपका लॉन्ग डिले रिडक्टर। लॉन्ग डिले आपके हाफ मिली सेकेंड बोलिए, हाफ मिली सेकेंड मतलब कितना? 500 मिली सेकेंड, करेक्ट। अगर yes, मेरे पास 50 होल है तो कितना टाइम लग गया बाबू, कैलकुलेट कीजिए। 25 सेकंड आपका ब्लास्ट हुआ भैया, दिक्कत हो गई, दिक्कत हुई सर, दिक्कत हो रही है क्या? 25 क्या बोल रहे हैं? दिक्कत होगी सर, दिक्कत होगी क्या? क्यों दिक्कत हो गई भैया ये बताइए? टाइम ज्यादा आ गया। अगला चैलेंज क्या है? टाइम कम करना है अपने को। 1931 में हमने शॉर्ट डिले डिटेक्टर बनाया जिसका था 25 मिली सेकेंड। अब ठीक है, अब फोड़िए जितना फोड़ना है आपको विद इन विंडो ऑफ 1 सेकेंड। क्लियर है? यस सर, 25 मिली, यस सर, बहुत मजा। 25 मिली सेकेंड जी, जी 25 मिली सेकेंड। दिक्कत है क्या? दिक्कत कुछ ऐसा है कि मैं इलेक्ट्रिक वाला यूज नहीं करना चाहता हूँ, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक वाले में मुझे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक में यूज नहीं करना चाहता। क्यों नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक वाला यूज, जरा बताएंगे? अब इलेक्ट्रिक तो बन गया, आगे मेरे को रिसर्च क्यों करना है बताइए? कुछ एडवांस करना है, रिसर्च करना है कि रहने दे, छोड़ देते हैं, बस बंद कर दें? एडवांस करते हैं सर, एडवांस करते हैं, कुछ एडवांस करते हैं। तो भैया आपको तो मैं दे दिया 25 मिली सेकंड का, आप खोलिए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन अब एडवांस क्यों करना है, क्या चाहिए? तो सर आप बोले ना, जैसे इलेक्ट्रिक से हम नहीं पूरेंगे। दिक्कत क्या है? इलेक्ट्रिक फूटता किसकी मदद से बाबू? इससे उसको चार्ज कैसे देते, पावर कैसे देते हैं? पावर एक्सप्लोडर करते हैं। यस सर, एक्सप्लोडर की भी एक क्षमता होती है। आप जब एक्सप्लोडर को देखेंगे तो बोलता है कि 200 शॉट एट अ टाइम, इससे ज्यादा नहीं फोड़ पाइएगा। समझ में आया? 200 शॉट बोलता है, 100 शॉट से ज्यादा आप ओरिजिनल में फील्ड में नहीं फोड़ पाएंगे। जब मैं लिख के गारंटी देता हूँ, नया एक्सप्लोडर है तब, पुराना हो गया तो 60 में आप माथा पकड़ लीजिए। क्लियर है? तो सर ये चेंज करना पड़ता होगा ना बार बार? क्या चेंज करना है? ये एक्सप्लोडर, यही एक्सप्लोडर। एक्सप्लोडर का बात ये है, एक्सप्लोडर दो टाइप के होते हैं। हाँ, एक होता है डायनामो एक्सप्लोडर। डायनामो को ये इसके लिए सिंगल शॉट और मल्टी शॉट। मल्टी शॉट जो होता है ना, इसमें बैटरी लगी होती है, और जिसको करीब 20 से 25 बार ब्लास्ट कीजिए, वापस में आइए, चार्ज कीजिए, फिर लेके जाइए, बार बार चार्ज करना पड़ता है इसको, मल्टी वाले। और सिंगल शॉट में क्या होता है, उसमें हैंडल रहता है, हैंडल से डायनामो वाला प्रिंसिपल पे काम करके उसको चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद करते हैं, तो हर बार आप ब्लास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हैंडलेस आप इसको यूज कर सकते हैं। सर शॉट बोले तो सर,
शॉर्ट मतलब दो सौ डिटोनेटर की बात कर रहा हूँ एट अ टाइम। 200 होल हो गया मतलब नीचे। अच्छा 200 होल जी। हाँ अब क्या दिक्कत आ गया? शैलेश क्या हो गया, आवाज आ रही है मेरी? देखिए अभी क्या है, आपको कितना होल आप एक बार ब्लास्ट कर सकते हैं इसमें? 200 मुझे 300 करना है तो कैसे करूंगा मैं? क्या सर? अगर 300 होल ब्लास्ट करने तो कैसे करूंगा? फिर सेकंड एक्सप्लोडर लगाना पड़ेगा, सेकंड वाला। फिर तो अलग अलग करना पड़ेगा ना पैचेस को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही बार ब्लास्ट हो जाए, नहीं तो आधा पैच फोड़ूंगा उसके बाद दूसरे फोड़ने जाऊंगा तब तक तो मेरा कनेक्शन टूट जाएगा। यस सर। तो अभी मेरे को चाहिए कि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो डीलर टाइमिंग में, ठीक है? उसके लिए हमने क्या किया, 1960 में लाया नोनल नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर। आपको जो कुछ दिखाया था ना सॉफ्ट ट्यूब लगा हुआ था, वो नोनल है। आज के डेट में नोनल ही यूज होता है, सॉफ्ट ट्यूब जिसके पीछे में लगा रहता है, आगे में डिटोनेटर लगा रहता है जिसमें डिले एलिमेंट आता है जो कि डिले वेरी करता है, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 42 हो सकता है, 65 हो सकता है, क्या और भी ज्यादा हो सकता है। समझ में आया? नोनल बोले हैं 1960 नोनल, ठीक है जी सर। अच्छा नोनल तो आप यूज करेंगे, लेकिन अभी क्या चाहिए? अभी है कि फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी नहीं है मेरे पास डिले के लिए। कितना है? 17, 25, 42, 65। मेरा मन है कि नहीं भैया ये वाला होल 500 मिलीसेकंड में उड़ेगा, ये वाला 525 में उड़ेगा, ये वाला 1000 में उड़ेगा, तो दिक्कत आ गई। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है डिले एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर खुद से देता है, ये वाला ले जाइए जहां जरूरत है जैसे लगा लीजिएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ पढ़ के उसके हिसाब से कनेक्शन करेंगे। लेकिन अगर आपका खुद का पैच है और आप चाहते हैं कि इस होल को मैं पहले फोड़ूं, ये वाला होल इसके बाद 25 नहीं 27 मिलीसेकंड में फूटे, तब तो आपको डिले खुद से सेट करना पड़ेगा साइट पे। समझ में आया? तो 1980 में आया इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 30 सेकंड तक कोई भी डिले टाइमिंग दे सकते हैं उस डिटोनेटर में। इज इट क्लियर सर? इलेक्ट्रॉनिक क्या बोले हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर बोले हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर। क्लियर नहीं है क्या? फिर से लिखूं? आपको जैसा अरेंजमेंट करना रह सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के केस में आपके पास रहता है, आप खुद से जैसा जितना मिली सेकंड चाहिए आप सेट कर सकते हैं। इसके पीछे में क्या होता है, सॉफ्ट ट्यूब होता है, इसके पीछे होता है इलेक्ट्रिक वायर केबल। दिखाएंगे डाटा लॉगर बोलते हैं कैसे सेट कर रहे हैं, सब आगे पढ़ाएंगे। यहां तक क्लियर है? अब तो आपका काम हो गया भाई, पढ़ लिए पूरा, आपको क्या बचा है? आपको मदद करते हैं
क्या सर, क्या बोले सर? इस वर्ड के बारे में आप लोग थोड़ा सा गूगल कीजिए। हाँ जी सर, इम्पीडेंस मैचिंग के बारे में थोड़ा सा गूगल कीजिए। कल हम डिटोनेटर के बारे में पढ़ेंगे कि डिटोनेटर के अंदर होता क्या है, उसके बाद सीधा इस पे आएंगे। और एक है वीओडी मेजरमेंट, तो वीओडी को हम इतना क्यों महत्व दे रहे हैं, दो चीजें हम कल पढ़ेंगे। तो क्या था अभी तक का आज का क्लास, क्लियर है? क्लियर है वो सर, वो मैचिंग है क्या? यस, इम्पीडेंस मैचिंग। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। हो गया सर, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। डाउट अभी हमारे पास है या करीब डेढ़ मिनट, डाउट पूछिए। यस, डाउट। कुछ समझ नहीं आया शैलेश, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज बताइए। सर थोड़ा सा डीलेम क्लास ज्वाइन किए इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको हो रहा था, इसलिए इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना सर? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है आपको? सर ये एक्सक्लूसिव का जो है ना, ये सब पूरा मतलब शुरू से अभी तो दो तीन जो बताए हैं ना, 1960, 1980 और 1890, ये सब तो समझ लिए हैं, शुरू का नहीं समझ पाए थे सर। ठीक है, आप इसमें रिकॉर्डिंग लेक्चर है उसका पढ़ लीजिएगा, और कुछ डाउट होगा आप क्लास में पूछ सकते हैं, मैं तो डायरेक्टली मुझे ठीक बेसिक ही है, बेसिक ही बताया है, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं, नॉलेज ही बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़्यादा धीरे धीरे सीखते सीखते आप लोग गेट की तरफ बढ़े हैं, ये कोशिश रहेगा। एक बार में बहुत कुछ पढ़ा देंगे आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत, इसलिए कोई डाउट है जी आपने सेलेस कहीं देखा है, ये ब्लास्टिंग वगैरह देखा है, एक्सप्लोजिव वगैरह देखा है कहीं? हां जी सर, धनबाद में देखे हुए थे। धनबाद में? जी सर। धनबाद में कहां पे? ओ बेरमो था सर, बेरमो में। बेरमो? जी जी सर। ठीक है, मैंने सुना है वैसे, मैं शेयर नहीं हूँ कहाँ पे। चलिए ठीक है फिर। नहीं ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।